और अगली खबर श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र से है, जहां पर सदयू नहर में एक युवक के डूब जाने की जानकारी मिली है। ग्रामीण तथा पुलिस युवक की तलाश में जुटे हैं, पर सफलता हाथ नहीं लगी है। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के बाबूपुरवा से है, जहाँ पर सरयू नहर में एक 20 वर्षीय युवक के डूब जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। सोनवा थाना क्षेत्र के धैसरा बाबूपुरवा निवासी संतोष कुमार 21 साल पुत्र रक्षा राम बुधवार को अपने घर से गांव के बाहर खेत देखने साइकिल से जा रहा था। गांव के पास स्थित सरयू मुख्य नहर के पटरी पर साइकिल पर बैठकर मोबाइल से बात कर रहा था कि अचानक तेज हवा के चलते साइकिल की हैंडल नहर की तरफ मुड़ गई और साइकिल सहित संतोष कुमार नहर में जा गिरा। नहर में काफ़ी पानी होने के चलते वो डूब गया, जिसकी सूचना लोगों ने सोनवा पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे सोनवा प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह व ग्रामीण मौके पर पहुंचकर लगातार युवक की तलाश करते हैं, पर सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं जब इसकी जानकारी उप जिलाधिकारी कोना सालिक राम को हुई तो उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तथा गोताखोरों से युवक की तलाश करने की बात कही। सोनवा थाना क्षेत्र के बाबूपुरवा का पूरा मामला, जहां पर सरयू नहर में साइकिल सहित युवक डूब गया और उसकी लगातार तलाश की जा रही है, परंतु लगभग 6 घंटे बीतने के बावजूद अब तक युवक का कोई पता नहीं है। वहीं जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ ग्रामीण गोताखोर तथा दूसरी तरफ पुलिस लगातार युवक संतोष कुमार के तलाश में जुटे हुए हैं, परंतु अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। सोनवा थाना क्षेत्र के सरयू नहर की ये घटना है, जहां पर सुबह सवेरे युवक साइकिल से अपना खेत देखने जा रहा था। जब वो नहर के पास पहुँचा तो अचानक साइकिल सहित नहर में जा गिरा, जिसके चलते ये हादसा आया। तभी से लगातार उसकी तलाश की जा रही है, परंतु अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें, जहां पर युवक के नहर में डूबने की घटना सामने आई है।